देवी और सन्नी, अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, ट्रिपल टेस्ट का, है कि नहीं? यानी बैक टू बैक इनके लिए तीन सवाल आएंगे, हर सवाल के लिए मिलेंगे इनको 10 सेकंड। सबसे तेज और एकदम करेक्ट आंसर जो देगा वही होगा हकदार उस हॉट सीट का। एक सूचना एक और है देवियों से, हमारे 10 होनहार खिलाड़ियों में से एक हिमानी बुंदेला जी विजुअली इम्पेयर्ड यानी दृष्टिहीन है। हिमानी जी मेरी आवाज के सहारे अपना जवाब पंच करेंगे, इसलिए इस बार मैं सवाल पढ़ूंगा और एक एक करके सारे विकल्प यानी जो भी ऑप्शंस है उनको पढ़ूंगा, और आपका जो 10 सेकंड है वो मेरे सारे विकल्प पढ़ने के बाद ही शुरू होगा, ताकि हिमानी जी सारे ऑप्शंस ध्यान से सुन सकें और उत्तर दे सकें। ओके, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं फास्टर सिंगर फर्स्ट, और पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। माप की इनमें से किस इकाई का मान सबसे छोटा होगा? विच ऑफ दीज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए सेंटीमीटर, बी मिलीमीटर, सी मीटर, डी हेक्टोमीटर। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया, आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी मिलीमीटर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी का जवाब दिया है। आयशा जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है, और सबसे कम समय में किसने जवाब दिया? हिमानी जी, वाह क्या बात है, 0.56 सेकंड में हिमानी जी ने ये जवाब दिया है। अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किस मशहूर जोड़ी ने सबसे हाल ही में शादी की? विच ऑफ दीज सेलिब्रिटी कपल्स गॉट मैरिड मोस्ट रिसेंटली? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए विराट कोहली अनुष्का शर्मा, बी शाहिद कपूर मीरा राजपूत, सी वरुण धवन नताशा दलाल, डी रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त, आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सी वरुण धवन नताशा दलाल इज द राइट आंसर। अब देखते हैं सी उत्तर जिन जिन लोगों ने दिया है उनके नाम हमारे लीडर बोर्ड पे आ जाते हैं। सबने सही जवाब दिया विक्रम कुमार सिंह जी को छोड़ करके, और सबसे तेज जवाब अमन बाजपाई जी, 0.70 सेकंड में अमन जी ने जवाब दिया। और लीडर बोर्ड की स्थिति जो है वो क्या बनती है अब देखते हैं। हिमानी जी आगे चल रही थी और अभी भी हिमानी जी नंबर वन पोजीशन पे हैं। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किस देश के राष्ट्रीय झंडे में सबसे कम रंग हैं? विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज द लीस्ट नंबर ऑफ कलर्स इन इट्स नेशनल फ्लैग? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए भारत इंडिया, बी दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका, सी इटली, डी बांग्लादेश। और समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी बांग्लादेश इज द राइट आंसर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने बांग्लादेश उत्तर दिया है। विक्रम सिंह जी को छोड़कर के सभी ने एक बार फिर सही उत्तर दिया है, और सबसे कम समय में किसने दिया है? हिमानी जी ने दिया है 0.42 सेकंड। और अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। हिमानी बुंदेला जी आप विजयी हो गई हैं, बहुत बहुत बधाई आपको।
शिवानी जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत अद्भुत खेल खेला है आपने। सर मुझे तो आपकी आवाज सुन के मजा आ गया था। देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं आगरा उत्तर प्रदेश से एक टीचर जिनका नाम है हिमानी बुंदेला। हिमानी जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, बड़ा वाला थैंक यू। ओके हिमानी जी, इससे पहले कि खेल की शुरुआत करें, हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। Yes, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक और हमारी जितनी भी जनता आज आई हुई है वो आपके वीडियो को देखे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज। सुनो, चिली चिली पनीर वाले को चिल्लाऊं क्या? चिल्ला चिल्ला चिल्ला। ओ अंकल, हल्का सा नीचे बैठना है, हल्का सा नीचे बैठ। ये देख, ये वाला फ्लावर है ना। हाँ हाँ, ये देख, टच कर इसको थोड़ा। वाओ, कितना सॉफ्ट सा एकदम, बिल्कुल ये वाला देख। हिमानी एक जिंदा दिल टाइप लड़की है, बहुत बिंदास है। आप हमारे दिल में कुछ इस तरह समय है, आप हमारे दिल में कुछ इस तरह समय है जैसे बाजरे के खेत में सांड़ घुस आए हैं। हम जब भाई बहन मिलते हैं ना तो एक गुनगुनाना शुरू करता है, बाकी आपस में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा मुझे कपल डांस का शौक है, तो छोटी सिस्टर बोलती है ठीक है मुझे घुमाना कभी कभार, मैं उसे घुमाते घुमाते छोड़ भी देती हूँ। बोलती है यार तुम बहुत बदतमीज हो। तेरा मेरा अफसाना। प्रोफेशनली वैसे मैं एक टीचर हूँ। गुड मॉर्निंग माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं अपने स्टूडेंट्स को और जो फिजिकल क्लास है, जो एटमॉस्फेयर मुझे स्कूल में मिलता था, बहुत मिस करती हूँ। वो बोलते हैं कि मैम स्कूल कब खुलेगा, कब वापस से हम लोग मिलेंगे और आप बोलोगे स्माइल चैंपियंस। केबीसी में आने का मेरा सबसे बड़ा टारगेट है, वो एक ही है, जो दिव्यांग बच्चों के लिए मैं अवेयरनेस प्रोग्राम अपने स्कूल में चलाया हुआ है। मैं चाहती हूँ ऐसे ही प्रोग्राम हर एक केंद्र विद्यालय संगठन में चलाया जाए, जिससे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ और बैरियर फ्री बन सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हिमानी जी। थैंक यू सर। और आपके जो साथ में कंपेनियन आए पहले उनका परिचय, आपके पिताश्री आए हुए हैं, नमस्कार करता हूं आपको और स्वागत आपका। सर प्रणाम। आपका शुभ नाम? सर विजय सिंह बुंदेला जी, आगरा से। आगरा से विजय जी हैं और आपकी बहन भी आई हुई है यहाँ पर। सर दीदी आई हुई। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, चेतना बुंदेला जयपुर से। चेतना जी हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो हिमानी जी, कहाँ से आता है आपके अंदर ये एक स्वभाव? जितना कुछ हमने देखा, एक तो ये कि आप हमेशा हंसती रहती हैं, ये देखिए अभी भी आप हंस रही हैं और तो बहुत अच्छी आपकी मुस्कान, आपकी वॉइस सुन के आ जा रही है। नहीं मेरी ये देख करके हमें बड़ा उत्साह होता है, हम लोग बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। थैंक यू सर। देखिए हिमानी जी ऐसी कंडीशन में होने के बावजूद वो जीवन को किस तरह जी रही हैं, हंसमुख हैं, तो कहाँ से आता है आपके अंदर ये? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा एक चीज सोचती हूँ और उसे अपनी लाइफ में फॉलो भी करती हूँ और मैं चाहती हूँ हर कोई भी उसे फॉलो करे, वो है जीतने वाला कभी कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम को अलग तरीके से करता है। क्या बात है, वाह क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स ज्यादातर तो आपको पता ही है और आपको हम ज्यादा कष्ट नहीं देंगे। हमारे सामने एक धनालय खड़ा होता है 15 प्रश्नों का, 1,000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है, फिर 2,000 और बढ़ते बढ़ते हम पहुंचते हैं 15वें प्रश्न पर, इसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। उसके बाद हमारा द्वार खुल जाता है 16वें प्रश्न का, जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। दो पड़ाव आते हैं हमारे खेल में, पहले 5 प्रश्न पर पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव 10वें प्रश्न पर, इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। ठीक है, एक यहाँ पर ये जो दुगदुगी जी हैं, पहले पड़ाव तक दुगदुगी जी आपको देंगी 45 सेकंड, 5वें से 10वें प्रश्न तक मिलेंगे 60 सेकंड आप। okay. और मैं भी बोलता रहूंगा और 10वें प्रश्न के बाद ये शांत हो जाएंगे, आपके पास समय समय हो।
आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन, जैसे कि आपको पता है ऑडियंस कॉल, जब कभी भी आप चाहें हमारी जनता जो है उत्तर देगी, 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन और अंत में आस्क द एक्सपर्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी लाइफलाइन होती है, उनसे आपका मैं परिचय करवाना चाहता हूँ। देवेंद्र सर जो हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, मैं बहुत ही गुणी और ज्ञानी अर्चना गरोडिया गुप्ता जी हैं। तो अर्चना जी, मैं चाहूँगा कि आप सामने आए और अपना आशीर्वाद दे हिमानी जी को। हिमानी जी, अर्चना जी आ गई हैं टीवी पर। नमस्ते अमित जी, नमस्ते हिमानी जी। नमस्कार मैम। हिमानी जी, मैं बहुत दाद देती हूँ आपकी। थैंक यू मैम। खासकर जो आप दूसरे दिव्यांग लोगों के लिए करना चाह रही हैं। थैंक यू मैम। मैं आपके साथ हूँ पूरे खेल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी। तालियों के साथ आपका अभिनंदन। कभी भी किसी प्रश्न पर आपको संदेह हो, चांस मत लीजिएगा, लाइफलाइन रखी हुई है 4 आपके लिए, ठीक है, उनका उपयोग कीजिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। युवानी जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पहला प्रश्न आ रहा है, 1,000 रुपए का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मैं पढ़ के सुनाता जाऊंगा। पनीर निकालने के लिए आप दूध में इनमें से क्या मिलाएंगे? Which of these would you add in milk to extract paneer from it? अब आपके सामने मैं विकल्प पढ़ने वाला हूं। A, lemon juice, B, more milk, C, sugar water, या D, sugar cane juice। नींबू का रस, और दूध, चीनी वाला पानी या गन्ने का रस? सर ऑप्शन ए, नींबू का रस। नींबू का रस, हाँ जी। श्योर है? डेफिनेटली। कंफर्म कर दें इसको? यस सर, कंफर्म। कंफर्म कर दिया हिमानी जी ने, ए पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप। 1,000 रुपए आ रहा है। दूसरा प्रश्न हिमानी जी, इसका मूल्य है 2,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शतरंज के एक मानक खेल को कितने लोग खेल सकते हैं? हाउ मेनी पीपल कैन प्ले अ स्टैंडर्ड गेम ऑफ चेस? और ये हैं ऑप्शंस, ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। सर ऑप्शन 2, 3, 4 या 6? सर ऑप्शन ए 2। दो, हाँ जी। ताला लगा दें इसे? यस सर। 2, ए 2 पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया है आपने। मुझे भी बहुत पसंद है। आपको खेलना पसंद है? बहुत ज्यादा। इंटरनेट पे जाती हैं आप पर कैसे खेल लेती हैं फिर आप? नो सर, नेट पर नहीं, मैं वैसे खेलती हूँ बोर्ड से। ओ, बोर्ड पे? हाँ, बहुत पसंद है। तो स्क्वेयर्स पे कैसे जाती हैं सर? एक्चुअली हम लोगों के लिए स्पेशल डिजाइन किया हुआ चेस आता है। ओ, उसमें कॉलम्स होते हैं अलग अलग, मतलब अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें हम किसी भी बॉक्स उसको उठाएंगे, किंग है या क्वीन है, उसे उठा के नेक्स्ट बॉक्स में रखेंगे, तो डिसप्लेस नहीं होता, सब कुछ हटता नहीं अपनी जगह से। तो फील करके आप खेलते हैं? यस सर, फील करके। ओके। नहीं आया? जी जी, समझ में आ गया। बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं हमको टीचर जी, एकदम सही। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हिमानी जी, रेडी? तीसरा प्रश्न, 3,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पेड़ या पौधे का तना लकड़ी का नहीं होता? विच ऑफ दीज ट्रीज डज नॉट हैव ए वुडन ट्रंक? ऑप्शन देता हूं आपके सामने, ए आंवला, बी बनाना केला, सी खेजरी या डी गुलमोहर। सर ऑप्शन डी क्या है? डी है गुलमोहर, बी है बनाना केला, हाँ? और सी है खेजरी, और ए है आंवला। लकड़ी का नहीं होता है। सर बी बनाना। बी पे ताला लगाया जाए। जीत गई आप, वाह क्या बात है। ऑलराइट, 3,000 रुपए जीत लिए। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न में हिमानी जी, ये आ रहा है चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए इसका मूल्य। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। भगवान ब्रह्मा के एक अन्य नाम चतुरानन का शाब्दिक अर्थ क्या है? What is the literal meaning of the name चतुरानन, another name of Lord Brahma? समझ गए? All right. ऑप्शंस पढ़ता हूं आपके सामने, ए
क्लेवर यानी चतुर, बी फोर आर्म्स यानी चार बाहें, सी फोर फेसेस चार मुख, डी फोर आईज चार आंखें। सर सी फोर फेसेस चार मुख। सी फोर फेसेस, ताला लगा दें? यस सर। फोर फेसेस कह रही हैं, चार मुख, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने हमारे जी, बधाई बधाई बधाई, 5,000 रुपए जीत गए आप। ओके, आगे आप पहला पढ़ाओ, पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए का, तैयार हो जाइए हिमानी जी। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। पवन अगर सुबह 9 बजे से 11:15 के बीच समान अवधियों वाले 3 पीरियड में उपस्थित रहता है तो उसके ऑनलाइन क्लास में 1 पीरियड की अवधि कितनी है? हाउ लॉन्ग डज 1 पीरियड इन पवन्स ऑनलाइन क्लास लास्ट इफ ही अटेंड्स 3 पीरियड्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन बिटवीन 9 AM एंड 11:15 AM? ओके, यस, सोच लिया, सुन लिया अच्छी तरह। अब आपके सामने मैं आपको जो विकल्प है वो पढ़ के सुनाता हूं। ए हाफ एन आवर, बी 1 hour 15 minutes, सी 45 minutes, या डी 1.5 hours? सर सी 45 मिनट। 45 मिनट्स? यस। श्योर है? या। लगाएं ताला, लगा दीजिए ताला। यस सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात है। क्या बात है हिमानी जी, बहुत खूब बहुत खूब। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न हम जानना चाहेंगे आपसे। आपने कहा कि आप बहुत सी ऐसी संस्थाएं जो हैं वो खुलवाना चाहेंगी जहां पर दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता हो। एक्चुअली सर बेसिकली ये है, मेरा फोकस जो है वो मैथ्स को लेकर ज्यादा है दिव्यांग बच्चों के लिए, और जो UPSC का कोचिंग होता है प्रिपरेशन उसको लेकर ज्यादा है। बिकॉज मैथ्स जो है अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट बना हुआ है जो इस दिव्यांग बच्चों में स्पेशली विजुअली चैलेंज को थोड़ा सा अवॉइड करवाया जाता है। तो मैंने अपने आप से एक इनिशिएटिव लिया था मेंटल मैथ्स का। मेंटल मैथ्स मतलब होता है सर, हम उनको हर एक चीज ओरल वे में करवाएंगे और ऐसे प्रैक्टिस करवाती हूँ मैं कि विद इन सेकंड्स में उनके आंसर आ सकते। तो हमको कोई उदाहरण दीजिए ये मेंटल मैथ्स का। सर मेंटल मैथ्स का जैसे सपोज दैट मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि बताइए जरा 51 × 51 कितना होगा, तो आप इसे रिटन में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा आप बताइए? काफी समय लगेगा, मुझे तो बहुत टाइम लगेगा। और ओरली करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? वो भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप मुझे बताइए कैसे सिखाते हैं आप उनको? सर इसकी एक टेक्निक जो मैंने खुद से बनाई है, उस फॉर्मूले का नाम है MAM, जिसे हम बोलते हैं मैम फॉर्मूला। क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप इमेजिन कीजिए 41 लिखा है, उसके जस्ट नीचे ही आपने 41 लिखा है, ठीक। MAM का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो पहले हमारा वंस प्लेस पर कौन सा नंबर है? 1 1। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1 1। लिख लीजिए, ठीक, माइंड में रखिएगा 1 को। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा था हमारा 1 के बाद? 4 4। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सॉरी सर, मुझे स्टूडेंट्स वाले बैठे हैं। टीचर जी मैं क्लास में बैठा हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब मैं क्या करना है, ए यानी कि एडिशन। तो हमारा जो 4 था ना, 4 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 4 + 4 8। वेरी गुड, 8 हो गया। अब हमको वापस क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो जिसको हमने ऐड किया है 4 और 4 को, उसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए 4 4 = 16। यस, वेरी गुड, 4 4 = 16। तो इट मींस हमारा आंसर कितना हो गया? 1681। तो 1681। अरे यार ये तो बहुत कमाल का है एकदम। मैं घर में जाकर के एकदम हीरो बन जाऊंगा। मैं उनको बताऊंगा, जल्दी बताओ कितने सेकंड में कर सकते हो ये। अरे ये तो बहुत अच्छी तरकीब बता दी आपने। जी अब खेल की ओर फिर से ध्यान आपका मैं चाहूंगा, आकर्षित करना चाहूंगा। अब यहाँ से आपको ये जो दुखदुखी जी हैं ये आपको देंगी 60 सेकंड, और मैं बताता रहूंगा आपको कि जैसे समय जो है बीतता जाता है क्योंकि आप वहां देख नहीं पा रही हैं। ये है छठा प्रश्न, मूल्य है इसका 20,000 रुपए। रेडी? छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिमानी जी ये एक ऑडियो प्रश्न है,
कि ये किस गाने की शुरुआती धुन है। दिस इज द ओपनिंग ट्यून ऑफ विच सॉन्ग। गाना सुनाया जाए। सुन लिया, चेहरे की मुस्कान बता रही है कि शायद आपको इसका उत्तर भी मालूम है। बहरहाल विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, दुनिया हसीनों का मेला। बी, सोल्जर सोल्जर। सी, गुप्त गुप्त। डी, तेरा रंग बल्ले बल्ले। सर डी, तेरा रंग बल्ले बल्ले। बड़ी जल्दी बोल दिया आपने। कंफर्म है? कंफर्म सर। डी कंफर्म कह रही है हिमानी जी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया। गाने का शीर्षक था तेरे रंग बल्ले बल्ले। गायक थे जसपिंदर नरुला, सोनू निगम। हाँ। संगीत दिया था अनु मलिक जी ने। फिल्म थी सोल्जर फीचरिंग बॉबी देओल एंड प्रीति जिंदा। हाँ जी। संगीत वगैरह सुनती हैं, नृत्य भी करती हैं। हमने देखा आपके वीडियो में आप बट्टी जला करके सर्दियों में आग वाग लगा करके चारों तरफ नाच रही थी आप बहन जी के साथ। गुनगुनाने का शौक है सर, और डांस में थोड़ा कपल डांस का शौक है जिसमें गोल गोल घुमा के मैं छोड़ देती हूँ। हाँ वही कर रहे थे आप बता रहे थे। ऑलराइट, सबसे फेवरेट गायक आपके कौन है, सिंगर? सर सिंगर तो इस टाइम पर जुबिन नौटियाल सर है। ऑलराइट ऑलराइट, अब आ रहा है सातवां प्रश्न, मूल 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने COVID-19 वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण किया की स्थापना किस व्यवसायी परिवार द्वारा की गई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरर ऑफ द COVID-19 वैक्सीन कोविशील्ड वॉज फाउंडेड बाय विच बिजनेस फैमिली? समझ लिया प्रश्न को? अब ऑप्शंस पढ़ के सुनाता हूं। ए, पूनावाला फैमिली। बी, बर्मन फैमिली। सी, बिरला फैमिली। डी, रेड्डी फैमिली। सर ऑप्शन ए, पूना फैमिली वाला। लगा दे ताला। कंफर्म। कंफर्म कर दिया पूना वाला फैमिली कंप्यूटर जी। बधाई आपको, बिल्कुल सही जवाब। कुछ पूनावाला परिवार के जो सदस्य हैं, डॉक्टर साइरस एस पूनावाला, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आदर पूनावाला ये चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, और बहुत ही नेक काम किया इन्होंने ये वैक्सीन बना करके ढेरों, और न केवल देश में भी बल्कि विदेश में भी इनकी वैक्सीन जो है वो जा रही है। हाँ। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है इनका, ये विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाला ये इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट। और सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो है वो यहाँ भारत में बनती है। मैं जानता हूँ कि कई बार जब ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान होता है तो उनके व्यक्तिगत तौर से उनके बारे में पूछा जाए तो उनको थोड़ा सा कष्ट होता है बात करने में, लेकिन हिमानी जी हमारी धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। अरे नहीं सर। ये आपकी नेत्र जी थे, कैसे, क्या हुआ, क्या कैसे दृष्टिहीन हो गई आप? सर बेसिकली जब मैं 11th क्लास में थी, 2011 की बात है, एक दिन केमिस्ट्री का ट्यूशन जा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ बाइक से। फिजिकली तो इतना ज्यादा चोट था कि पूरी बॉडी में ब्लीडिंग हो रहा था हैंड और नी से, बट उस टाइम पर ये नहीं पता था कि फिजिकली के साथ साथ मेरी आईज में भी प्रॉब्लम। मुझे लेकिन कुछ दिन बाद फील हुआ कि मेरा शायद बैट इसका चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। मैंने बहुत रिलैक्स थी, मैंने कोई बात नहीं हो जाता है नंबर बढ़ता है, बट जब डॉक्टर पर चेक कराया तो पता चला कि मेरा जो रेटिना है राइट आई का वो डिटैच्ड हो गया, मतलब आंख का पर्दा अपनी जगह से हट गया। और डॉक्टर ने कहा कि अगर विद इन 2 या 3 डेज ऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये वीजा लॉस होता चला जाएगा। मेरा रेटिना डिटैचमेंट का विद इन 8 मंथ्स 8 महीने के अंदर 4 बार ऑपरेशन हो गया। थर्ड ऑपरेशन तक मेरा आई में विजन था, मैं देख पा रही थी उस टाइम पर, आराम से देख सकती थी कलर्स वगैरह सब कुछ। लेकिन जब 2012 में जुलाई की बात थी, मेरा जब 4th ऑपरेशन हुआ तो
तो लाइफ में सब कुछ बिल्कुल लगा कि एंड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत बोला जाए या क्या बोला जाए सर, वो ऑपरेशन विजन क्लियर होने की वजह पूरा लॉस हो गया। और लेफ्ट आई मेरा सर पहले से ही सिर्फ सपोर्टिंग आई की तरह वर्क करता था, इसमें मेरा ऑलरेडी ग्लूकोमा था सर, ग्लूकोमा मीन्स जो काला पानी, उसमें भी क्या होता है, उसमें विजन हमारा धीरे 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 करके जाता जाता। तो मेरा 2012 के बाद लेफ्ट आई में जो विजन था, तब से लेके अब 21 तक विजन बिल्कुल एकदम डाउनफॉल में जा चुका है, सिर्फ लाइट परसेप्शन बचा है लेफ्ट आई में, मतलब कि बस ये पता चलता है कि हाँ लाइट है या डार्क, दिन है कि रात है, ये केवल लाइट बस या अंधेरा पता चलता है। ओह गॉश, ऑलराइट। आपके पिताजी से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई साहब कैसे आपने भरोसा दिया हिमानी को, या स्वयं अपने परिवार में आपने इस स्थिति को कैसे झेला? सर प्रणाम। प्राप्त सर, हम हिम्मत हार चुके थे सब, हमारा जो है ये सोचते थे कि अब इसका जीवन कैसे कटेगा, शादी कैसे होगी, कौन इसको रखेगा अपने पास, तो इस बेटी ने साहब हमें हिम्मत दी, इस बेटी ने हमें हिम्मत दी, बोली कि पापा मम्मी आप चिंता ना करो, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि दृष्टिहीन हैं और सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सब क्रिएट होती हैं और उनका फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो आप लोग डरो मत, चिंता ना करो, ईश्वर हमारे साथ है, कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, जरूर देंगे। वाह क्या तो बात, इस बेटी ने सर हमें ताकत दी। कहने को तो बहुत कुछ है पर मैं तो ये सिर्फ ये कहूंगा, मेरी बेटी मेरा गौरव। वाह क्या बात। इसी तरह आपकी पुत्री जो है वो धैर्य बढ़ाती रहे, और एक उदाहरण तो जैसे मैंने कहा बनी गई है हिमानी आज हमारे इस खेल में, और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं ये एक प्रेरणा स्रोत बन गई हिमानी जी। ऑलराइट हिमानी जी, अब खेल की ओर फिर से ध्यान आपका मैं चाहूँगा। अब खेल का 8वां प्रश्न आ गया है हिमानी जी, इसका मूल्य है 80,000 रुपये। ध्यान से सुनिए, 8वां प्रश्न 80,000 रुपये के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व के प्राचीन 7 अजूबों में कौन सा अजूबा सबसे पुराना है? Which is the oldest of the 7 wonders of the ancient world? Modern world नहीं, ancient world। अब मैं ऑप्शंस पढ़ने वाला हूं आपके सामने। ए टेम्पल ऑफ आर्टिमिस, बी पिरामिड्स ऑफ गीजा, सी स्टैच्यू ऑफ ज़ियस, डी फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। आर्टिमिस का मंदिर, गीजा के पिरामिड, ज़ियस की मूर्ति, अलेक्जेंड्रिया का फेरोस। सर ऑप्शन बी लग रहा है मुझे, पिरामिड ऑफ गीजा। पिरामिड्स ऑफ गीजा, यस सर। ऑलराइट, कंफर्म कर दीजिए सर। कंफर्म कर दें? यस सर, लॉक कर दीजिए। बी पिरामिड्स ऑफ गीजा कंफर्म करने को लोग कह रही हैं हिमानी जी। कैसे हो गई थी आप इतनी श्योर? बिकॉज मुझे पता है जो ये पिरामिड्स हैं, मैंने पढ़ा है कि काफी सबसे ज्यादा एंशिएंट में यही है, बट बट कुछ नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह क्या बात है हिमानी जी। ओके हिमानी जी तैयार हो जाइए सर। हाँ जी, आपके लिए 2 लाइन थी। हाँ जी बिल्कुल। आपकी संवाद की शैली हमें लुभाती है, आपकी संवाद की शैली हमें लुभाती है, आपकी आवाज हृदय में घर बनाती है, देखकर अभिनय की कला आपके श्रीमान, आपसे मिलने की ललक हर शख्स में जाग जाती है। थैंक यू सो मच हिमानी जी। यहाँ क्या कर रही हैं आप, गलत जगह आ गई हैं।
No, sir. आपको तो शेरो शायरी करनी चाहिए जा करके बड़े बड़े महफिलों में. सिर्फ थोड़ा बहुत शौक है, बोलना अच्छा लगता है बस. नहीं नहीं बहुत अच्छी करिया है, बहुत अच्छा है. ऑलराइट हिमानी जी, अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न. 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है. नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. यह है प्रश्न की केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और अरुण जेटली, ये सभी इनमें से किस विभाग के मंत्री रहे हैं. विच कॉमन पोर्टफोलियो हैव राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण एंड अरुण जेटली ऑल हेल्ड इन द यूनियन कैबिनेट. ऑप्शंस पढ़ता हूं आपके सामने. ए होम, बी फाइनेंस, सी डिफेंस, डी लॉ एंड जस्टिस. गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री या कानून और न्याय. फाइनेंस मिनिस्टर लग रहा है सर, क्योंकि अरुण जेटली रहे हैं, निर्मला सीतारमण भी. आपके पास लाइफलाइन है, अगर आप चाहें उसका इस्तेमाल कर सकती हैं. और 27 सेकंड बचे हैं केवल. बट एक डाउट आ रहा है, डिफेंस का भी आ रहा है क्योंकि निर्मला सीतारमण. 20 सेकंड बचे हैं. ऑप्शन ए बताइए क्या था. होम, फाइनेंस, डिफेंस एंड लॉ एंड जस्टिस. ऑडियंस बोल सर, ऑडियंस. ऑडियंस बोल, शांत हो जाए. दुगदुगी जी, हो हो, हमारी दुगदुगी बढ़ गई इसमें. ऑलराइट ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है. अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए. सबसे पहले कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस जो लाइफलाइन है जो इसको अंकित कर दिया गया है. प्रश्न आपने सुन ही लिया होगा और आपका समय शुरू होता है अब. सी डिफेंस को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 52%. ऑलराइट, क्या करें? डिफेंस सर, कंफर्म. आप कह रहे हैं सी डिफेंस. ताला लगाइए कंप्यूटर जी. एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट. वेल प्लेड. अरुण जेटली जी 2014 में लगभग 6 महीनों के लिए रक्षा मंत्री बने थे. हाँ, इनका थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बाकी दो का तो मुझे पता था जी. और दोबारा उन्होंने 2017 में लगभग 6 महीनों तक रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला था. राजनाथ सिंह अभी भारत के रक्षा मंत्री हैं. हाँ, इनका तो है. और निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है. हाँ, इससे पहले वो 2017 से 2019 तक भारत की रक्षा मंत्री रह चुकी है. तो डिफेंस बिल्कुल सही उत्तर था और जनता ने बिल्कुल सही उत्तर दिया. जितवा दिया आपको 1,60,000 रुपए. थैंक यू. ये काफी मुश्किल प्रश्न था, है कि नहीं, है ना? हाँ, सब ऑडियंस सर हिला रही अपना के बहुत मुश्किल पर. ऑलराइट हिमानी जी, कहने में बड़ा अजीब लगता है, दृष्टिहीन है, तो कैसे आपने इसको, आप अपने आप को अपडेट कैसे रखती हैं आप? सर, मैं बेसिकली ऑडियो की हेल्प से पढ़ाई करती हूँ सारा. तो आवाज आती है उसी से आप अपने आप का? हाँ सर, तो सारा ऑडियो की हेल्प से मैं लर्न करती हूँ, फिर ऑडियो में ही अपने नोट्स बनाती हूँ. और फिर आप अपने जो जो बच्चे आपके क्लास में है उनको पढ़ाती हैं. हाँ. तो कैसे पढ़ाती हैं आप उनको फिर? सर, वो भी मेरा फोकस, जैसे अभी बच्चों को मैथ्स मैजिक करा रही हूँ, है ना. बेसिकली बच्चों में मैथ्स का फोबिया होता है, तो मैं उनको कभी ये नहीं बोलती कि आज हम मैथ्स करेंगे. मैं उनको बोलती हूँ आज हम मैथ्स मैजिक करेंगे. मैजिक का नेम सुनते ही तो पहले वो खुशी हो जाते, स्माइल हो जाती है उनके फेस पर सर, बहुत ज्यादा. मेरा टेक्निक यही है, मैं उनको मेंटली कैलकुलेशन ओरल वे में ही बताती हूँ. जैसे सपोज दैट मैं आपको एक बताती हूँ, कोई क्वेश्चन है, सपोज दैट आप स्टूडेंट है मान लीजिए मेरी क्लास के, मान लीजिए माय वर्क, ठीक है. सपोज कोई क्वेश्चन है, जैसे 1+3+5+7+9, मुझे अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है कि इतना बड़ा हम कैसे करेंगे, तो मैं ब्लैक बोर्ड यूज़ नहीं करती, मैं फिंगर्स का यूज़ करूँगी उनके सामने. मैं उनको बताऊँगी कि बेटा देखिए, जो मैं नंबर्स बोलूँगी अपनी फिंगर्स पे कैसे काउंट करेंगे, इसका क्या ट्रिक होगा, ठीक है. अब मैं, आप देखिएगा करके जो मैंने बोला. मैंने बोला 1, तो आप इधर काउंट करिएगा, 1+3+5+7+9. इसका आंसर कितना आएगा, आप ओरली करके बता पाएंगे? हाँ, नहीं बता पाऊंगा मैं. कितने नंबर है टोटली? 1, 2, 3, 4, 5. कितने नंबर हुए टोटल? 5. 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25. आंसर आ गया. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही सिखाती हूँ सर. तिवारी जी, मैं भी सीखने वाला हूँ, मेरा भी मैजिक शुरू हो गया है. आज सीख गए. अरे यार, क्या क्या सीख दिया. 1, 3, 5,
इसी की जगह मान लीजिए जितने भी तो बड़े पांचवे पे आकर के पांच पे फाइव फाइव आर 25 बस। अरे कमाल है यार ये तो क्या हुआ? यार हमको 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 ये नहीं खेलना यार ये खेल हमको जाना है इनकी क्लास में सीखेंगे मैथमेटिक्स ये तो बहुत इतनी गुणी है आप हिमानी जी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें ऑलराइट चलिए आगे बढ़ते हैं अब हिमानी जी चांस मत लीजिएगा आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव दसवां प्रश्न 3,20,000 रुपए तीन लाइफलाइन अभी भी बची हैं कहीं भी आपको संदेह हो इनका उपयोग कीजिए यहाँ अगर आप गलत हो गई तो आप नीचे चली जाइएगा 10,000 रुपये लेकिन अगर आपने सही उत्तर दिया 3,20 जीत जाएंगे आप रेडी दसवां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा ये आ गया है प्रश्न आपको पढ़ के सुना रहा हूं 2021 में भवानी देवी किस ओलंपिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी इन 2021 भवानी देवी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर विच ओलंपिक इवेंट समझ लिया प्रश्न को अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं ये रहे ऑप्शंस ए इक्वेस्ट्रियन बी साइकिलिंग सी कैनोइंग या डी फेंसिंग डी वाले को हिंदी में क्या घुड़सवारी साइकिलिंग कैनोइंग फेंसिंग तलवारबाजी ये डी वाला सर डी वाली तलवारबाजी कंफर्म है 100% जी 100% कंफर्म कह रहे हैं हिमानी जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने बधाई आपको 3,20,000 रुपए जीत गए हमारे यहाँ पर एक प्रथा होती है हिमानी जी की एक 3,20,000 रुपए का चेक लिख के दिया जाता है तो मैं आपके लिए साइन करके चेक दे रहा हूँ हमारी जनता को मैं दिखा रहा हूँ ये एक चेक है 3,20,000 रुपए का और ये चेक 3,20,000 रुपए का मैं यहीं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे और भी ज्यादा धनराशि जीतेगी आज यहाँ फेंसिंग तलवारबाजी तलवारबाजी का उद्देश्य अपने प्रतिद्वंदी को हिट करना होता है और खुद को हिट होने से बचाए रखना होता है फर्स्ट टाइम इंडिया से कोई सिलेक्ट जी हाँ और बहुत ही इन्होंने परिश्रम किया भवानी देवी ने मैंने देखा इनको एक इनका खेल देख के खेलते हुए ओलंपिक्स में बहुत चतुर होना पड़ता है ऑलराइट दो तीन चीजें बता दूंगा एक तो ये दुगदुगी जी शांत हो गई हैं और हमारा जो सप्तकोटि द्वार है 7 करोड़ रुपए का 16वां पद वो खुल जाता है ध्यान रहे कि अगर आपने 15 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया 1 करोड़ रुपए जीत गई और आपको खेलना है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए की अगर आपके पास कोई बची हुई लाइफलाइन होगी तो भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अभी आपके पास 3 लाइफलाइन बची हुई हैं आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न हम जानना चाहेंगे आपसे हाँ जी सर बहुत सारी चुनौतियां आई आपके जीवन में लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद आपने अपनी शिक्षा कैसे प्राप्त की सर बेसिकली जब एक्सीडेंट हुआ था ना तो उसके बाद तो हम लोगों ने होप खो दिया था इवन मुझे भी लगा था कि शायद अब लाइफ में कुछ भी नहीं रहा और एजुकेशन तो कम्प्लीटली भूलने के लिए बात हो गई थी इवन सोसाइटी के आसपास के लोग भी बोल रहे थे कि अब ये 12th के बाद कुछ पढ़ाई नहीं करेगी बट बोलते हैं ना सर भगवान के घर पर देर है बट अंधेर नहीं है एक बार पापा को सडनली एक आर्टिकल मिला न्यूज़पेपर में जिसमें सर एक एडवर्टाइजमेंट था पता है किसका था एशिया की फर्स्ट रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा लखनऊ में सर इस यूनिवर्सिटी की एक खासियत है सर इस यूनिवर्सिटी में एक ही क्लासरूम में हर टाइप के डिफरेंट लेवल बच्चे प्लस जनरल स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ाई करते हैं जब हमको ये पता चला कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ आफ्टर 12th में पढ़ाई कर सकते हैं तो उस दिन मतलब खुशी का हम बता नहीं सकते जितनी खुशी सर आज है उतनी ही खुशी उस टाइम पर थी जी 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 अब पढ़ाई के लिए कुछ है लाइफ में एक नई सुबह फिर हुई है नया कुछ फिर से किया जा सकता है तो आप वहाँ भर्ती हो गए हाँ जी सर फिर मैंने वहाँ एडमिशन लिया और सर अच्छी बात यह वहाँ एडमिशन लेने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस एकदम जा चुका था ना विजन लॉस होने के बाद वहाँ जाके एकदम 100 टाइम बूस्ट हो गया बिकॉज मैंने चारों सेमेस्टर में फर्स्ट रैंक होल्डर बनी अपनी क्लास में
इवन मुझे उस टाइम पर अपने गवर्नर थे यूपी के राम नायक जी, उनसे सर्टिफिकेट और गिफ्ट भी मिला था और मैंने मैराथन रेस में मेडल भी लिया था सर। मैराथन रेस? यस सर, हाफ मैराथन रेस में सर। तो यही मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला था। हमने जब आपका वीडियो देखा था हाँ। तो हमने देखा कि आप स्कूल में चल के जा रही हैं। हाँ जी सर। कैसे कर लेती हैं आप ये? सर बस ये सब समझ लीजिए आप, फीलिंग के हिसाब से होता है, मतलब चीजों को फील कर करके। जैसे अगर हम चलते हैं ना तो कोई पास अगर आ रहा होता है तो वो फील हो जाता है ऑटोमेटिकली कि पास में कुछ आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सारा मतलब महसूस कर करके उसके हिसाब से। नहीं, आमतौर पर हमने देखा है जो दृष्टिहीन होते हैं हाँ। उनके पास एक वॉकिंग स्टिक होती है जिससे वो फील कर सकते हैं हाँ। आपके पास तो कुछ भी नहीं? हाँ सर, स्टिक नहीं है, या फिर ये बोला जाए, मैं ऑनेस्टली बताऊँ मुझे अभी भी थोड़ा सा मतलब अनकम्फर्ट सा लगता है, मैं स्टिक लेकर आज तक मूव नहीं किया मैंने। तो आपको जब स्कूल जाना होता है तो कोई आपको स्कूल छोड़ता है? हाँ सर, पापा जाते हैं, और पापा जब नहीं जाते तब भाई है मेरा छोटा गन्नू, वो लेकर जाता है मुझे। फिर वो साथ में रहते हैं आपके कि सही जगह पर आप पहुंच जाएं? वो छोड़कर चले जाते हैं, फिर छुट्टी में लेने आ जाते हैं। तो एक कहां छोड़ के कहां चले जाते हैं, मतलब कोई रहता नहीं आपके साथ? नहीं नहीं। फिर कैसे आप? सर मेरे स्टूडेंट्स इतने ज्यादा अच्छे हैं ना, मैं बता नहीं सकती, पता है आपको, वेट करते हैं। और जैसे मैं पहुंचती हूँ मैम मैम मैम, वो चार पांच आपस में लड़ाई करते हैं, बोलते मैम को हम लेकर जाएंगे हम लेकर जाएंगे। जी, जितने भी बच्चों को आप शिक्षा देती हैं हाँ जी सर, ये सब नॉर्मल बच्चे हैं या सर? केंद्रीय विद्यालय संगठन में सर नॉर्मल भी है, प्लस हमारे में कुछ परसेंट रिजर्वेशन दिव्यांग बच्चों का भी है सर। बस ये है, जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, बाकी बच्चों को मैं बोलती हूँ राइट डाउन करो, उसको बोलती हूँ बेटा आप सुनिए ध्यान से और मैं आपको ऑडियो कंटेंट दे दूंगी, तो मतलब फुली एक्सेसिबल बनाते हैं हम उस बच्चे के लिए, हर एक चीज को बैरियर फ्री बनाते हैं। ये चश्मे आप क्यों पहनती हैं? सर चश्मे का बेसिकली ये है, जैसे कि मेरा इसका राइट आई का काफ़ी टाइम, चार टाइम तो ऑपरेशन पहले हो गया, और फिर उससे पहले एम्स में दो टाइम हो चुका है, तो आई का प्रोटेक्शन के लिए। और दूसरी बात, मुझे डे और नाइट में डिफ्रेंशिएट कर पाती हूँ मैं कि रोशनी है या अंधेरा है। बट मैंने एक बार वो ब्लैक वाला लगाया था, उससे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अनकम्फर्ट सा फील हो रहा था, तो इसलिए मैं ये वाले ग्लासेस ही वेयर करती हूँ ताकि पता चल सके कि दिन और रात। हाँ, दिन और रात है, और मुझे मतलब इसी का हैबिट भी हो रखा है क्योंकि पहले से स्पेक्स लगा हुआ था, तो इसमें ज्यादा कंफर्ट फील होता है। ओके, ऑलराइट हिमानी जी, खेल में आगे बढ़ते हैं अब। यस सर। ध्यान रहे कि तीन लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपकी, और प्रश्न जो है धीरे धीरे और भी गंभीर और भी मुश्किल होते जाएंगे, बहुत ही सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। दुगदुगी जी अब शांत हो गई है, आपके पास समय समय है। ऑलराइट, 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, इनमें से कौन घनश्याम व्यास के स्यूडोनिम से लिखा करते हैं? Who among these wrote under the pseudonym घनश्याम व्यास? समझ गए प्रश्न को? ए के एम मुंशी, बी मनुभाई पंचोली, सी उमाशंकर जोशी, डी लाभशंकर ठाकर। लेखकों की बात हो रही है शायद। ए के एम मुंशी, बी मनुभाई पंचोली, सी उमाशंकर जोशी, डी लाभशंकर ठाकर। सूडोनिम घनश्याम व्यास के नाम से लिखा करते थे। ए लग रहा है, सुना हो कभी जब आप शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ऑप्शन बी क्या है सर? और सी तो ए के एम मुंशी है, बी मनुभाई पंचोली, सी उमाशंकर जोशी, डी लाभशंकर ठाकर। और तीन लाइफलाइन जीवित हैं आपकी, अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो हम हमेशा यही राय देते हैं कि लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। के एम मुंशी लग रहा है, बट श्योर नहीं हूं मैं। लाइफलाइन ले सकते हैं आप।
लग रहा है सर 95% वाला तो लग रहा है। क्या करना चाहिए? मैंने क्योंकि पढ़ा है ये। पढ़ा हुआ आपने? हाँ ये पढ़ा हुआ है के एम मुंशी का। ऑलराइट सर, के एम मुंशी कर दीजिए आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यही है। ऑलराइट हाँ, कंफर्म कर दीजिए। ए कंफर्म कर दीजिए। के एम मुंशी ए। चलो आ जाए कंप्यूटर जी। हिमानी जी, अगर आप लाइफलाइन ले लेती तो बेकार होते। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। यस, वाह क्या बात है। यस यस यस, बहुत खूब, बहुत खूब। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, जिन्हें के एम मुंशी व उनके पेन नेम घनश्याम व्यास के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात के स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, लेखक और शिक्षाविद थे। ये पेशे से वकील थे, जिन्होंने बाद में लेखन और राजनीति की ओर इन्होंने रुख अपना किया। और 1912 में उनकी पहली रचना मारी कमला, हाँ ये मैंने पढ़ी थी इनकी जी, हाँ। श्री बोध पत्रिका में ये प्रकाशित हुए थे। के एम मुंशी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह क्या बात है मानी जी, जीत गई आप 6,40,000 रुपए। अब आ रहा है अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। रेडी हिमानी जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर 12वां प्रश्न। अंटार्कटिका में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? Which is the highest mountain in Antarctica? ऑप्शन सुनिए। ए माउंट एलिजाबेथ, बी माउंट कैपलान, सी माउंट विसन मैसिफ, डी डोम ए। सर ऑप्शन सी, मैसिफ वाला। मैसिफ कंफर्म? 100%। विसन मैसिफ सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। अनबिलीवेबली करेक्ट, वेल डन। फैंटास्टिक। विसन मैसिफ एंटार्क्टिका के एल्सवर्थ पहाड़ियों में स्थित एक बड़ा पर्वतीय मैसिफ है, जो 4,892 मीटर्स ऊंचा एंड 21 किलोमीटर्स लंबा और 13 किलोमीटर्स चौड़ा है। हिमानी जी, हाँ जी सर, ये आपने इतनी सारी बुद्धि जो है कहाँ से एकत्र की, ये बताइए। मैथमेटिक्स तो आपने सिखा दिया हमको, अब ये भी एक शिक्षा दे दीजिए हमको। हम बहुत, हमारी बुद्धि जो है वो बहुत कमजोर है। नहीं सर, बस पढ़ते रहो हो जाता है सब। कहाँ पढ़ा आपने ये सब? ये तो बड़े मुश्किल प्रश्न है। ये सब तो मैंने अपना सुना है ऑडियो में। ऑडियो में सुना हुआ आपने? हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई हिमानी जी। ऑलराइट, एक बात जो हमारे बहुत आश्चर्य की है वो ये कि इतना सारा ज्ञान आपने क्या उस समय प्राप्त किया था जब आप देख सकती थी, या बाद में आपने जब आप नेत्रहीन हो गई तब आपने ऑडियो सुन सुन कर कैसे आपने प्राप्त किया ये सब? सर बेसिकली मैंने जब मेरा विजन लॉस हुआ उसके बाद ज्यादा नॉलेज गेन किया है, और उसमें सबसे बड़ा रोल फैमिली का तो है और मम्मी का सबसे बड़ा रोल है सर। बिकॉज जब विजन लॉस नहीं हुआ था तब मैं 11th में थी, तब तक एक स्पेसिफिक एरिया ही पढ़ना होता था, मैं कर लेती थी जी। लेकिन विजन लॉस होने के बाद मम्मी हमेशा मोटिवेट, एक लाइन हमेशा आपकी बोलती है सर, वो पता क्या बोलती है, कहती है ये देखो ये चींटी, ये भी तो बार बार गिरती है फिर चढ़ती है, ये देखो एरोप्लेन, ये भी तो इंसानों ने बनाया है, तो बेटा तुमसे भी सब कुछ होगा, पढ़ो ऑडियो से पढ़ो। जब वो स्पेशली वो लाइन बोलती थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सर ये मम्मी की फेवरेट लाइन है, हमेशा बोलती है वो उसे। तो मम्मी की ये बात सुन सुन के हमेशा से मेरा फिर यही रहता था कि जब मम्मी इतना मोटिवेट कर रही है तो इट मीन्स मुझे मम्मी के लिए और पापा के लिए डेफिनेटली लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो ऑटोमेटिकली फिर मोटिवेशन आता था। ऑलराइट, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हिमानी जी, और आ रहा है 13वां प्रश्न, जो कि है 25 लाख रुपयों के लिए। ठीक है? ठीक है सर। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा।
मैहर घराने की इनमें से कौन सी संगीतकार सितार वादक निखिल बनर्जी, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और नित्यानंद हल्दीपुर के गुरु रह चुकी? Who among these musicians of the Maihar Gharana has been the guru of sitarist Nikhil Banerjee and of bansuri players Hariprasad Chaurasia and Nityanand Haldipur? Options rakhta hu aapke samne aur padh ke sunata hu aapko. A. Vasundhara Komkali. B. Annapurna Devi. C. Sunanda Patnaik. डी वीणा सहस्त्रबुधे. बी लग रहा है अन्नपूर्णा देवी. सर बी ही लग रहा है मुझे अन्नपूर्णा देवी का. ऑप्शन सी क्या था सर? ऑप्शन सी है सुनंदा पटनायक. ऑप्शन डी है वीणा सहस्रबुद्ध. ऑप्शन ए है वसुंधरा कोमकली और ऑप्शन बी है अन्नपूर्णा देवी. तीन लाइफलाइन जीवित हैं, अगर आपको कष्ट हो रहा हो उनका उपयोग हो सकता है. 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट. लेकिन अन्नपूर्णा देवी लग भी रहा है. सर बी, सर बी को ही कर दीजिए अन्नपूर्णा देवी. फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी सर. कंफर्म? कमीर महाशय, सोच समझ के बाद हिमानी जी कह रही हैं बी अन्नपूर्णा देवी पे ताला लगाया जाए. आप जानते हैं कि कौन है अन्नपूर्णा देवी? इनका मतलब जिसे आप बता रहे थे ना, जो आपने नेम पढ़े थे ऑप्शन में निखिल बनर्जी और ये चौरसिया वाला, इनके संग मैंने इनका नेम पढ़ा है. बाकी भी सब वसुंधरा कोमकली, सुनंदा पटनायक, इनके बारे में भी पढ़ा हो कहीं? वसुंधरा जी का थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन इनके संग मुझे इनका पढ़ा था लग रहा है ऐसा, कि मतलब याद आ रहा था कि ऐसा मैंने इनके संग पढ़ा था इनके नेम के संग. आपके पिताजी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको लगता है इनको लाइफलाइन लेनी चाहिए थी? सर ले ली थी. लेनी नहीं चाहिए थी? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ये बिल्कुल सही. थैंक यू सर, थैंक यू. अनबिलीवेबल, ये अद्भुत खेल हो रहा है. अन्नपूर्णा देवी सही उत्तर था. अन्नपूर्णा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मैहर घराने के संस्थापक उस्ताद अलाउद्दीन खान की बेटी थी. वो पंडित रविशंकर की पहली पत्नी थी. उन्होंने अपना जीवन संगीत शिक्षण के लिए समर्पित कर दिया. ऑलराइट, देवी संजय हिमानी जी बहुत ही अच्छा खेल रही हैं. इनके साथ खेल को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा सरप्राइज है इनके लिए. कॉल लगाया जाए. भाई साहब प्रणाम, मैं अमिताभ बच्चन हूँ. हिमानी बुंदेला जी हमारे सामने बैठी हैं हॉट सीट पर और 25 लाख रुपए जीत गई हैं वो. हेलो हिमानी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. क्या आप मेरी आवाज पहचान सकती हैं?
प्रिंसिपल सर। हिमानी जी। हाँ जी सर। सर थोड़ा सा और कुछ बोलिए जरा। आप नाम बताइए उनका। अरे सर मेरे फेवरेट जुबिन नौटियाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद जुबिन जी, मुलाकात करना चाहूंगा सर। जी जी अवश्य जुबिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मेरा भी एक ड्रीम है, मुझे आपसे डेफिनेटली मिलना है। हिमानी जी का आपने जीवन जो है एकदम सुनहरा बना दिया आज हमारे शो में। थैंक यू सो मच जुबिन जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत सारा प्यार हिमानी जी, बेस्ट ऑफ लक, खूब खेलिए, खूब जीतिए। थैंक यू। सर आपके लिए बड़ा वाला गिफ्ट लाऊंगी। थैंक यू, सच में मजा आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत कम कंटेस्टेंट्स जो हैं 25 लाख रुपए जीतने के बाद भी उनके 3 लाइफलाइन बची हुई हैं। अगर आपने सोच समझ कर खेला तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आज आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। अब आ रहा है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए, हिमानी जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के जनरल प्रेसिडेंट के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट लेडी साइंटिस्ट इलेक्टेड एज द जनरल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस इन द ईयर 1975? ऑप्शन सुनिए, ए अर्चना शर्मा, बी विजय लक्ष्मी सक्सेना, सी मंजू शर्मा, डी असीमा चटर्जी। डी क्या है सर? ए अर्चना शर्मा, बी विजय लक्ष्मी सक्सेना, सी मंजू शर्मा, डी असीमा चटर्जी। सीमा चटर्जी। सर मुझे वैसे डी लग रहा है, इनका पढ़ा है। अब एक सेकेंड, ये क्वेश्चन तो पढ़ा है लेकिन सीमा चटर्जी ही लग रही है इसका। एक सेकेंड, तीन लाइफलाइंस हैं आपके पास, यदि संदेह हो तो उनका उपयोग हो सकता है। डी ही लग रहा है मुझे। सही उत्तर देंगे 50 लाख। गलत अगर हो गए आप तो जैसा कि आप जानते हैं आप खो देंगे ये 25 लाख रुपए, नीचे आ जाएंगे आप 3-20 पे। मन में संदेह हो तो हम सबको यही राय देते हैं कि वो लाइफलाइन आपकी जो बची हुई है उसका उपयोग किया जाए। इतना तो मैं श्योर हूं होगा तो बी और डी में से, लेकिन डी पता नहीं क्यों ज्यादा लग रहा है मुझको। ना श्योर हो तो लाइफलाइन ले सकती हैं आप, 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन है। फ्लिप द क्वेश्चन, निर्णय ले लिया आपने। ऑलराइट, कमिश्नर महाशय फ्लिप द क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं हिमानी जी, इसको अंकित किया जाए। और हिमानी जी इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आपके सामने आएगा। जाने से पहले हमें अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है, किसी एक को गेस कीजिए। डी ही लगाऊंगी सर मैं। डी असीमा चैरिटी पे चाला लगाया जाए।
हिमानी जी आप क्या हैं ये बता दीजिए, यदि आप खेल जाती हैं तो ये सही होता। अरे यार कोई बात नहीं, असीमाचार्य जी 1975 अमाउंट ज्यादा था वरना तो मैं खेल लेती सर। अर्चना शर्मा 1987, मंजू शर्मा 1999 और असीमाचार्य जी फाइटोमेडिसिन में अपनी उपलब्धियों के लिए शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जीतने वाली पहली महिला बनी थी। ओके हिमानी जी, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और हमारे पास एक सूची आपको सुनाई गई थी जिसमें हमने कहा था कि यदि फ्लिप द क्वेश्चन आएगा तो आप किसी एक विषय को चुने जिसके आधार पर वो फ्लिप द क्वेश्चन आएगा, तो उस सूची में आपने किसको चुना था? सर माय सिटी माय स्टेट। माय सिटी माय स्टेट चुना था। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए। माय सिटी माय स्टेट जो कि आगरा उत्तर प्रदेश है, उसके आधार पर हिमानी जी के सामने अगला प्रश्न जो फ्लिप द क्वेश्चन है उसे पेश किया जाए। ये आ गया है प्रश्न, ध्यान से सुनिए। 1952 भारत के पहले आम चुनाव के दौरान नेहरू गांधी परिवार के किस सदस्य ने रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी? Which member of the Nehru Gandhi family won the Rae Bareli Lok Sabha seat in India's first ever general elections held in the year 1952? Option suniye: A. Jawaharlal Nehru, B. Vijay Lakshmi Pandit, C. Firoz Gandhi, D. Indira Gandhi. सही उत्तर देंगे 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पर, और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई आपके पास। सर मुझे डी लग रहा है, इंदिरा गांधी। इस स्तर पे आकर के हम अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं उनसे यही कहते हैं कि चांस मत लीजिएगा, लाइफलाइन बची है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं आप, क्योंकि धनराशि जो है वो भारी है और यहाँ पर गलत उत्तर जो है इसकी गिरावट बहुत भारी होती है। नीचे आ जाएंगे आप 3-20 में। कष्ट हो रहा हो तो 2 लाइफलाइन है 50-50 और आस्ती एक्सपर्ट। बी तो नहीं होगा विजय लक्ष्मी पंडित, सी भी नहीं होगा रोज गांधी, ए और डी। लेकिन इंदिरा गांधी जी का 1952 की बात करें तो बार बार आपको याद दिला रहा हूं, सही उत्तर 50 लाख, गलत नीचे ले आएगा 3-20। सर 50-50 कर दीजिए। ओके 50-50 लाइफलाइन का निर्णय लिया है हिमानी जी ने, कंप्यूटर महाशय इसको अंकित कीजिए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। बचे हैं सी फिरोज गांधी, बी विजय लक्ष्मी पंडित। 1 सही 1 गलत। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पर। 1 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन। आस्क द एक्सपर्ट।
सर विजयलक्ष्मी पंडित तो नहीं लग रहा है मुझे। सी का ही माइंड फोकस कर रहा है। सर रायबरेली है ना उसमें जो नेम है? जी रायबरेली। सर एक्सपर्ट एडवाइस। लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस। ओके ऑलराइट। तय कर लिया हिमानी जी ने कि वो लाइफलाइन लेंगी एक्सपर्ट एडवाइस की। इसको अंकित कर दीजिए। और अर्चना जी आपकी बारी आ गई है। अर्चना जी नमस्कार। एक बार फिर आपने बहुतों को भारी भारी रकम जितवाया यहाँ पर। हिमानी जी की जो दुविधा है उसको दूर कीजिए। सवाल आपने सुन लिया होगा, इन्होंने 50-50 लिया था और दो विकल्प जो थे वो गायब हो गए। बचे हैं केवल दो, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी फिरोज गांधी। 60 सेकंड में आपको उत्तर देना है। हिमानी जी इसका उत्तर है फिरोज गांधी। कंफर्म मैम? वो वहां से थे और पार्लियामेंट में थे, नेहरू जी को बहुत अपोज करते थे। okay. उनका झगड़ा होता था। कंफर्म मैम? बाद में उनकी मृत्यु के बाद 1967 में इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ, इंदिरा गांधी का तो मुझे पता था। तो ये फिरोज गांधी है। हाँ, तो ये अपने हस्बैंड की कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ी हुई थी फिर। ठीक 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 सर। तो, और आप बहुत फैंटास्टिकली खेल रही हैं। यू आर ट्रेमेंडस। थैंक यू मैम। चलिए सर कर दीजिए फटाफट से सी। सी? हाँ कंफर्म। ताला लगा दें। हाँ, हाँ, हाँ। सी फिरोज गांधी लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। अर्चना जी ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है। बधाई आपको। 50 लाख रुपए जीत गए हैं आप। वेल प्लेड। अर्चना जी को एक बार फिर बधाई दे दीजिए और धन्यवाद दे दीजिए हिमानी जी। थैंक यू मैम। एक्चुअली इंदिरा गांधी का भी इसलिए मुझे लग रहा था क्योंकि वो पहले रही हैं तो उनका पड़ा था। जी वो बाद में 1952 की बात हुई। हाँ फिर मुझे बाद में 1952 पहला चुनाव था। हाँ फिर 1952 क्लिक हुआ, मैंने कहा तब तो इंदिरा गांधी जी नहीं थी। जी बिल्कुल सही। 1952 में इस लोकसभा क्षेत्र का नाम प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कम रायबरेली डिस्ट्रिक्ट ईस्ट SC था। यहाँ से दो सांसद चुनकर आए थे, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से जीते, जबकि पहली लोकसभा में विजय लक्ष्मी पंडित लखनऊ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से वो जीती थी। हाँ, लखनऊ से थी। यस विजय लक्ष्मी। तो ये था उत्तर। ऑलराइट शुरू करें। जी जी मैंने जैसे कल कुछ लाइंस के संग स्टार्ट किया था, अच्छा हुआ था, तो मैं चाहती हूँ क्या आपकी इजाजत हो तो आज भी कुछ लाइंस से मैं स्टार्ट करूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए आप। कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए। क्या बात है। यूं तो जिंदगी सभी काट लेते हैं यहाँ, यूं तो जिंदगी सभी काट लेते हैं यहाँ, मगर जिंदगी जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। वाह वाह क्या बात है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। प्रारंभ किया जाए। जनता से अनुरोध है कि जोरदार तालियां बजती रहे, आपका जोश रहेगा और आगे घेर पाएंगे। सारी लाइफलाइंस आपकी चली गई है मानी जी। हाँ सर। और आज का पहला प्रश्न जो है कहने में बड़ा संकोच होता है क्योंकि हम लोगों को अक्सर ये मौका मिलता नहीं है बोलने के लिए। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए हिमानी जी। yes, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न आ गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में ब्रिटेन के जासूस के रूप में काम करते वक्त नूर इनायत खान ने इनमें से किस छद्म नाम का उपयोग किया था? Which of these was an alias used by नूर इनायत खान to work as a spy for Britain in France during the Second World War? जैसा कि मैंने पिछली बार भी किया था,
दो बार प्रश्न पढ़ता हूं ताकि आप उसे समझ सकें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में ब्रिटेन के जासूस के रूप में काम करते वक्त नूर इनायत खान ने इनमें से किस छद्म नाम का उपयोग किया था? विच ऑफ दीज वॉज एन एलियस यूज्ड बाय नूर इनायत खान टू वर्क एज अ स्पाई फॉर ब्रिटेन इन फ्रांस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? हिमानी जी, मैं ऑप्शंस रखूंगा और उसको दो तीन बार पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपके मन में वो बैठ जाए। ए वीरा एटकिंस, बी क्रिस्टीना स्कारबेक, सी जूलियन आइजनर, डी जा मरी रेनी। ऑप्शन फिर पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। ए वीरा एटकिंस, बी क्रिस्टीना स्कारबेक, सी जूलियन आइजनर, डी जा मरी रेनी। समय ही समय है आपके पास, कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर आपको बना देंगे करोड़पति। न मालूम हो उत्तर, रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि यहां अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 320 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं, आप जीत रही हैं 50 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है। ए वीरा एटकिंस, बी क्रिस्टीना स्कारबेक, सी जूलियन आइजनर, डी जा मरी रेनी। ये नाम आपने सुना हुआ है नूर इनायत खान का? हाँ सर, नेम तो सुना है और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये फ्रांस ब्रिटेन का भी पड़ा था, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो डी वाला लग रहा है। ऑप्शन सी क्या था? ऑप्शन सी है जूलियन आइजनर, जे यू एल आई ई एन एन ई आइजनर, ए आई एस एन ई आर। डी है जे मरी रेनियर, जे ई ए एन एन ई डैश मरी एम ए आर आई ई, और सरनेम है रेनियर, आर ई एन आई ई आर। ए है वीरा एटकिंस, वी ई आर ए, सरनेम है एटकिंस, ए टी के आई एन एस, और बी है क्रिस्टीना स्कारबेक, के आर वाई एस टी वाई एन ए पहला नाम, और सरनेम है स्कारबेक, एस के ए आर बी ई के। डी वाला लग रहा है मुझे, पानी है सर यहाँ? जी जी जी, मैं देता हूँ।
ले लिया। थैंक यू। टिश्यू चाहिए? नहीं चाहिए। Which of these was an alias used by Noor Inayat Khan to work as a spy for Britain in France? Sir, mujhe during the second lag raha hai. A. Vera Atkins, B. Christina Scarbeck, C. Julian Eisner, D. Jean Marie Renier. Ek crore ka prashn hai. सर मुझे डी वाला ही पता नहीं क्यों बहुत एकदम फीलिंग आ रही है डी वाले के लिए, बट कहीं ना कहीं कुछ रिस्क वाला है आपने इसको। हाँ सर, लेकिन मुझे डी का बहुत स्ट्रांग लग रहा है। जय माता दी, भगवान का नाम लेते हैं सर। आप डी को ओके करिए सर, अगर नीचे गिरी तो कोई नहीं, भगवान की मर्जी है, डी को लॉक कर दीजिए सर। फाइनल उत्तर आपका? हाँ सर, डी को लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर महाशय, डी पे ताला लगाया जाए। ये चेक आपने जीता था जब आप 3,20,000 रुपए पे गए थे। मेरी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है। विजन लॉस होने के बाद मम्मी हमेशा बोलती है, कहती है ये देखो ये चींटी, ये भी तो बार बार गिरती है फिर चढ़ती है, तो बेटा तुमसे भी सब कुछ होगा। हमेशा से मेरा फिर यही रहता था कि जब मम्मी इतना मोटिवेट कर रही है तो इट मीन्स मुझे मम्मी के लिए और पापा के लिए डेफिनेटली लाइफ में बहुत कुछ करना है। 1 करोड़ जीत गए। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी भी। माय गॉड, मैं ऐसा इमेजिन करती थी, पता है मुझे केबीसी सर इतना ज्यादा पसंद था। मैं घर पर जब फ्री बैठती थी तो मैं ऐसी आपका इसका, मुझे केबीसी का सॉन्ग बहुत पसंद है, मैं गाती रहती थी और ऐसे ही इमेजिन करती थी। मैंने कहा वो कौन कभी ऐसा दिन आएगा या नहीं जिस दिन सर बोलेंगे 1 करोड़। माय गॉड हिमानी जी, आप अद्भुत हैं। तो मैं अपने जनता को बताना चाहता हूँ कि
जबरदस्ती इन्होंने लाइफलाइन ले ली गई। बहुतों का बहुत ही मुश्किल प्रश्न थे इनके सामने, तुरंत इन्होंने सोचा और उत्तर दिया, जिस तरह से उन्होंने आज ये उत्तर दिया है। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न, ये कोई मामूली प्रश्न नहीं था सर। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन मैंने पढ़ा था इसके बारे में ग्रेजुएशन में। जी जी सबको आपने भावुक कर दिया है, ऐसा कुछ। और पिताजी और आपकी बहन अरे बहुत ही इमोशनल हैं और होना भी चाहिए। दीदी पापा डोंट वरी। जी हाँ पिताजी आप कुछ कहना चाहेंगे इस समय? विजय जी बेटी ने एक्चुअली हम लोगों को ताकत दी है जी, जबकि ताकत हमें बच्ची को देनी चाहिए। इस बच्ची ने हम लोगों को ताकत दी कि मैं सब कुछ करूंगी, आप चिंता ना करो। अगर मेरी आंखें नहीं है तो मैं कुछ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं, आप चिंता मत करो, मेरी शादी भी होगी, सब काम होंगे। इस बेटी की वजह से हम लोग को हिम्मत दी, हौसला अफजाई इस बच्ची ने हमारे लिए की, हमारे पूरे परिवार के लिए करी। वाह क्या बात। तो मैं आपको बता दूं हिमानी जी की, नूर इनायत खान के पिता भारतीय और माँ अमेरिकन थी। हाँ। और उन्होंने जे मैरी रेनियर नाम से मित्र देशों की सेनाओं के लिए एक वायरलेस ऑपरेटर के रूप में काम किया था। उन्होंने मेडलिन कोड नेम का भी इस्तेमाल किया था। हाँ जी सर। उन्हें नाथसियों ने पकड़ लिया था। हाँ। उन्हें जर्मनी के डैचाउ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में गोली मार दी गई थी। सर जब मैं ग्रेजुएशन में थी ना तब मैंने पढ़ा था ये सारा, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था कि यही है, बट बहुत मतलब लग रहा था कि यार यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। जी 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 शब्द नहीं है हमारे पास हिमानी जी बोलने के लिए। मैं पानी पी लेती हूं सर, आप मत आइएगा। नहीं 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 अरे सर आप बार बार परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल परेशानी नहीं है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे ये एक ग्लास ठीक ओके। मैं रख देती हूँ। अभिमानी जी समझ में नहीं आ रहा, खेलें ना खेलें और यहीं पर जश्न मना करके आज का खेल यहीं समाप्त कर दें। इतना आपने उम्दा खेला है, हम सब इतने प्रभावित हैं आपसे कि हम बता नहीं सकते। सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपकी वॉइस सुन के आपको मतलब इतनी देर से सुन सुन के एनर्जी बूस्टअप होता जा रहा है मेरा। इसलिए शायद इतना अच्छा खेल पा रही हूँ। अपनी बुद्धि को आप बिल्कुल दूर कर रही है अपने से, आपकी ये बुद्धि है जिसे आपको आज यहाँ पर 1 करोड़ रुपए जितवा दिए है। सर वो दृष्टिहीन होते हुए भी कितनी समस्याओं का सामना किया आपने, और देखिए ये बहुत ही आसान बात नहीं है, क्योंकि कई वर्ष तक अपनी जवानी तक आप देख सकती थी और एक दुर्घटना हुई और फिर आप दृष्टिहीन हो गई। तो वो जो अनुभव था आपका वो आप फिर से नहीं देख पा रही हैं, ये ज्यादा दुख है। बहुत बहुत बधाई आपको। बट सर मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे तो बहुत बड़ी वाली खुशी है, मैं आपको सुन पा रही हूं एटलीस्ट। ऑलराइट अब हिमानी जी आपको बता दे, अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न जो कि है 7 करोड़ रुपयों के लिए। बड़े कम अवसर आए हैं इस खेल के जीवन में जब मुझे इस तरह से बोलना पड़ा है। जी ये लास्ट क्वेश्चन होगा। जी आखिरी होगा। ये है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। अरे सर लाइफलाइन कोई आप इस्तेमाल नहीं कर सकती, है भी नहीं आपके पास। हाँ। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, 1 करोड़ आप जीत चुकी हैं। किसी भी समय आप चाहें आप क्विट कर सकती हैं, 1 करोड़ रुपए आप यहां से ले जाएंगे। ठीक है ऑलराइट 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपयों के लिए हिमानी जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द थीसिस that Dr. B.R. Ambedkar submitted to the London School of Economics, for which he was awarded his doctorate in the year 1923.
प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं आपके लिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। ऑप्शंस अब मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए। ए द वांट्स एंड मींस ऑफ इंडिया, बी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, सी नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, डी द लॉ एंड लॉयर्स। ऑप्शन फिर पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। ए द वांट एंड मींस ऑफ इंडिया, बी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, सी नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, डी द लॉ एंड लॉयर्स। रुपी, नेशनल डिविडेंड, सर ऑप्शन सी लग रहा है मुझे, नेशनल डिविडेंड वाला, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। बट सही उत्तर 7 करोड़ देंगे, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं हिमानी जी, 1 करोड़ रुपए आप जीत रही हैं। डिपेंडेंट सर मुझे सी वाला लग रहा है, नेशनल डिपेंडेंट ऑफ इंडिया। ए द वांट्स एंड मींस ऑफ इंडिया, बी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, सी नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, डी द लॉ एंड लॉयर्स। सही उत्तर आपको देंगे 7 करोड़, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पर। कोई लाइफलाइन अगर होती भी सर, तो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों रखा डायरेक्ट नीचे लाने का? 25 लाख पर नीचे ला सकते थे, लेकिन मुझे सी वाला सर मुझे लग भी रहा है लेकिन डर भी लग रहा है साथ में, बट लग रहा है कि सी वाला ही है, बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा और ए का भी नहीं। क्योंकि एक बार नॉर्मली ऐसी बायोग्राफी सुनते समय इनका, तब मुझे याद आ रहा है कुछ इस टाइप का सुना था, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। ए द वांट्स एंड मींस ऑफ इंडिया, बी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, सी नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, डी द लॉ एंड लॉयर्स। 1 करोड़ आप जीत चुके हैं, यह है 7 करोड़ रुपए का प्रश्न।
न मालूम हो तो आप क्विट कर सकती हैं और 1 करोड़ रुपए आप यहाँ से आज ले जाइएगा। गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा आप 3:20 पर। बहुत ही सोच समझ कर आप खेली हैं अब तक कुमारी जी, आगे भी इसी तरह खेलिए। सर मतलब बता नहीं सकती कितना ज्यादा हम लोग की लाइफ में 1 करोड़ का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा। 1 करोड़ अमाउंट अपने आप में बहुत ज्यादा है, बट पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लग रहा है कि आंसर सी ही होगा शायद। मतलब याद आ रहा है कि है सी है। आप कभी भी क्विट कर सकती हैं या अगर आप चाहें तो कंफर्म करके लॉक कर सकती हैं। ये 2 चीजें ही बची हैं आपके ऑफिस के, सोच लीजिए अच्छी तरह। डर लग रहा है अगर गलत हुआ तो, लेकिन मन कह रहा है कि आंसर दो, यही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा। कैमरे महाशय हिमानी जी क्विट करना चाह रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं देना चाह रही हैं क्योंकि उनको पता नहीं। अनुमति देते हैं हम आपको हिमानी जी कि आप गेम क्विट करें। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं हम। और ये जो 1 करोड़ रुपए आपने जीते हैं इसका अनुभव हम कभी नहीं भूलेंगे, और ना ही मैं समझता हूँ कि आज के जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। 1 करोड़ रुपए आपके बैंक में जमा हो जाएगा। यहाँ आपका नाम आ गया, आपके अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ 1 1 2 3 4 5 6। 1 करोड़ रुपए सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए हैं हिमानी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट, अब इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर मैं सी ही लगाऊंगी। सी, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया पे ताला लगाया जाए। अरे हिमानी जी आप बच गए, खेलती तो हार जाती। सही उत्तर है बी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। बच गई मैं। थीसिस का पूरा नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन विद इन ब्रैकेट्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग। नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1916 में सबमिट किए गए उनकी मास्टर्स की थीसिस का शीर्षक था। ऑलराइट हिमानी जी आपसे विदाई हम लेंगे और बहुत बहुत बधाई देते हैं। 1 करोड़ रुपए आप इस सीजन की पहली करोड़पति, और पहली बार केबीसी में एक दृष्टिहीन कंटेस्टेंट आया है और वो 1 करोड़ रुपए जीत कर जा रहा है। तालियां, खड़े होकर के हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। Well played, हिमानी जी, थैंक यू। पूरी बुंदेला फैमिली को नमस्कार, और जितना भी इन्होंने जीता है इन्हीं के पास रहने दीजिए, मांगिए मत कुछ तुमसे। थैंक यू सो मच, आइए।